शोहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में। विजय फसाएगा डॉन को, क्या विजय आएगा वापस? क्यों रोमा ने हाथ मिलाया अंडरवर्ल्ड से? डॉन के साथ किसने चली चाल? डॉन 3 हाईली एंटीसिपेटेड फिल्म है, जिस वजह से ये आए दिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड का कारण बन रही है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें दर्शकों के रिक्वेस्ट की वजह से भले ही रोमा के किरदार को फिल्म में शामिल किया जा रहा है, हालांकि ये एक ट्विस्ट के साथ होगा। जिस तरह से इस फ्रेंचाइजी से जुड़े फैंस इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार वो रोमा और डॉन को आखिरकार साथ होते हुए देख पाएंगे, उन लोगों के लिए ये खबर एक झटके की तरह होने वाली है, क्योंकि रोमा और डॉन इस फिल्म में साथ नहीं होंगे बल्कि एक राइवल की तरह नजर आएंगे। ये कुछ उसी तरह से होगा जैसा कि उनकी राइवलरी की कहानी फिल्म डॉन से शुरू हुई थी और अब यही चीज डॉन 3 में आखिर खत्म होगी। वहीं रोमा अपने भाई के मर्डर का बदला जरूर लेगी और इस वजह से उसने इतने सालों में अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफिया से भी कांटेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही रोमा के इस काम में डॉन का हमशक्ल विजय पाल उसे मदद करने वाला है। जी हाँ, असल में विजय पाल कभी मरा ही नहीं था। डॉन को लगा था कि उसने विजय को मार दिया है, हालांकि विजय मरा नहीं था, बस डॉन के सडन अटैक की वजह से 2 महीनों के लिए कोमा में चला गया था। और जब उसे होश आया तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि क्रिमिनल्स ने उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। इसके साथ ही जब वो इस बात से रूबरू हुआ कि वरदान मखीजा नाम के एक क्रिमिनल ने DCPD सिल्वा बन उसके साथ एक चाल चली है, तो वो काफी गुस्से में आ जाता है और उन लोगों से बदला लेने के बारे में फिर से सोचने लगता है। विजय की इसी बीच रोमा से मुलाकात होती है, जो अपने भाई के मर्डर से जुड़े राज और डॉन के खिलाफ सबूत जमा कर रही होती है। विजय रोमा को अपनी सच्चाई बताता है और एक प्लान के तहत डॉन को फंसाने के बारे में सोचता है। वहीं रोमा इसमें विजय का साथ देती है क्योंकि डॉन ने उसके भाई का मर्डर किया है और वो इसका बदला लेना अभी तक नहीं भूली। विजय डॉन का गेटअप ले लेता है और उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। वो अलग तरह से डॉन को उसी के जाल में फंसाने का काम कर चुका है। वहीं 10 साल से डॉन को रोमा भी नहीं मिली थी, पर जब वो उसे मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इंटरपोल ऑफिसर से अपने भाई के बदले को पूरा करने के लिए अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ चुकी रोमा अपने यूरोप के ताकतवर माफियाज के साथ भी मिल चुकी है, क्योंकि माफियाज भी यूरोप के क्रिमिनल मार्केट से डॉन को दूर करना चाहते हैं। डॉन के खिलाफ बहुत सारे सबूत जमा कर लिया है, जिसे लीक करने से डॉन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और इससे वो पूरी दुनिया में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाएगा, जिसे पकड़ने के लिए खास मेजर सीक्रेट एजेंसी से अपील करके उसे किसी भी हाल में पकड़वाया जाएगा। और इसमें इजराइल की मोसद और अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देशों की ट्रुप्स उसकी मदद करेगी, जिससे डॉन की जिंदगी खतरे में आ जाएगी और वो मिनटों में मारा भी जा सकता है। वहीं रोमा की बात करें तो वो जहां डॉन से राइवलरी रखेगी, वहीं विजय के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा, जिस बात से कहीं ना कहीं डॉन भी अवगत है। विजय भी डॉन से उसके प्रति किए गए मर्डर अटेम्प्ट का बदला लेगा और इसी वजह से उसने डॉन बनकर कई जगहों पे ड्रग्स को एक्सपोर्ट करके आई इनकम की रिपोर्ट को इंटरपोल को भी दे दिया है। डॉन के खिलाफ अब सारे सबूत मौजूद है, सारे अंडरवर्ल्ड अंदर ही अंदर एक दूसरे से मिल चुके हैं और रोमा और विजय की मदद कर रहे हैं। वहीं डॉन भी कुछ कम नहीं है, वो अब दुनिया के सामने खुद को डेड घोषित कर देगा और प्लास्टिक सर्जरी की मदद लेकर दूसरे नाम और रूप के साथ एक बार फिर वापसी करेगा और इस बार डॉन पहले से दुगना खतरनाक साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज पे। धन्यवाद।